श्रम सुधार और निजीकरण के खिलाफ मजदूरों की महाहड़ताल का असर दिखने लगा है। कई ट्रेड यूनियंस ने आज बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों का कहना है कि ये बंद सरकार के उन नीतियों के खिलाफ है जो जनता विरोधी हैं। इस हड़ताल से बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित होने का अंदेशा है। दावा किया जा रहा है कि बंद में 25 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। 6 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और 6 बैंकिंग यूनियन ने बंद का समर्थन किया है। 8 से 9 जनवरी को एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। प्राइवेट बैंक पर असर नहीं होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से कह दिया है कि अगर वो 8 जनवरी को यानी आज अगर हड़ताल में शामिल होते हैं तो उन्हें फिर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने भी काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने हड़ताल की वजहों का तो समर्थन किया लेकिन यह भी कहा कि वो राज्य में हड़ताल की अनुमति नहीं देंगी। भारत बंद पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने सीटू महासचिव तपन सेन से बात की। उन्होंने 25 करोड़ लोगों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि सरकार के सामने 12 मांगे उन्होंने रखी हैं, जिसमें न्यूनतम आय बढ़ाना और समान वेतन जैसी मांगे भी शामिल हैं। पहला सवाल यही है कि क्यों ये जनरल स्ट्राइक किया जा रहा है। ये जनरल स्ट्राइक मजदूरों को रोजाना जिंदगी का जो ज्वलंत समस्या है उसका, मिनिमम वेज, समान काम में समान वेतन का मुद्दा, उसका अधिकार के मुद्दा, ट्रेड यूनियन अधिकार और साथ साथ अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मुद्दा है और सामाजिक सुरक्षा का जो मुद्दा है असंगठित क्षेत्र का मजदूरों के लिए खास करके, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार जो श्रम कानून बदलाव का प्रक्रिया में सारे मजदूरों को अधिकार को छीनने का और मजदूरों पर बंधुआपन थोपने का, ये जो लेबर कोर्ट के जरिए वो प्रक्रिया चला रहा है इसके खिलाफ, इसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और ये छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, इंश्योरेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, इसका जो सारे और ये छोड़ के जो सर्विस सेक्टर के यूनियंस है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज, ये जो सर्विस सेक्टर का जो असंबंधित फेडरेशन है जातीय स्तर पर, ये सारे को सारे, कोई बाहर नहीं है इसका, इसमें शामिल है। 25 करोड़ के ऊपर मजदूर इसमें शामिल होंगे और मजदूर के बाहर भी इस दफे ये हड़ताल को अपने समर्थन जताया सारे किसान संगठन, 175 किसान संगठन संयुक्त रूप में वो ग्रामीण बंद करने का ऐलान किया है। स्टूडेंट्स ने भी हड़ताल के स्ट्राइक के ऐलान किया यही दिन में। और सुनील सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, फिलहाल अगर आप अपडेट दे सकें कि वहां पर हालात कैसे हैं, किन चीजों में या कहां पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है इस बंद का, और साथ में ये भी खबरें आई कि कुछ ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है, कुछ पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वहां पर असर पड़ा है, अगर आप विस्तार से बता सकें। देखिए शशांक, यहाँ मुंबई में जनजीवन की अगर हम बात करें तो सामान्य है। बेस्ट की बसें सामान्य तौर पर चल रही हैं, लोकल ट्रेनें भी सामान्य तौर पर चल रही हैं और लोगों का भी आवाजाही जा रही है। लेकिन हाँ, जहाँ चूंकि जो हड़ताल का जो आह्वान किया है वो मजदूर इन्होंने किया है, तो जहाँ पर भी सरकारी बड़ी कंपनी फैक्ट्री है या रिफाइनरी है, जैसे कि मैं इसमें BPCL रिफाइनरी के पास खड़ा हूँ माहौल गाँव में जो है, तो वहाँ पर कामकाज पर काफ़ी असर पड़ा है। बैंकों के कामकाजों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि बैंक की जो यूनियन है उन्होंने भी हड़ताल में हिस्सा लेने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल चूंकि मैं BPCL के पास खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे जो कर्मचारी हैं काला कपड़ा पहने उन्होंने पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखा है, उस पर लिख रखा है स्टॉप BPCL प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो निजीकरण है वो उसे बंद करें। हाथों में बैनर उन्होंने ले रखा है और उनकी पूरी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कामकाज, जो हम कह सकते हैं कि BPCL का फिलहाल यहाँ पर हमें बंद दिखाई पड़ रहा है। जो यहाँ के लगातार जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और वो अपनी अपनी आवाज़ें यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। हमारे जो मजदूर नेता हैं, मैं उनसे ही आप एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, वो बताएंगे
आप लोग यहाँ पर स्टॉप बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन करके यहाँ पर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं और किस तरह से ये बंद चलेगा आज और इसका क्या क्या असर पड़ेगा? सुनिए, आज आज जनवरी है, भारत भर सब बंद है, भारत बंद है, कामगारों ने नारा दिया है, केंद्र सरकार की नीति और मोदी सरकार की नीति उसके खिलाफ आज सभी कामगार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, स्पेशली भारत पेट्रोलियम के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये मजदूर लड़ रहे हैं। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी आज मोदी सरकार काटने जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। आज भारत भर में प्राइवेटाइजेशन या कामगार कायदा या महंगाई या उसकी देश की नीति सभी कामगारों के अगेंस्ट है और इसके लिए यहाँ पे सब लोग हम लोग यहाँ पे आए, कामगार वर्ग आज 8 जनवरी के स्ट्राइक में यहाँ पे उतरा है। आप भी यहाँ पर आगे आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं वो जन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कैसे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीपीसीएल जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को इतने बेनिफिट दे रही है, जो डिविडेंड दे रही है और शेयर्स के माध्यम में लोगों का पैसा उनके पास जा रहा है और इतने सस्ते में वे लोग बेच रहे हैं, तो बहुत मोदी सरकार ओनली बीपीसीएल नहीं कर रहे थे, मतलब प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ज्यादातर आपने सुना कि प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के खिलाफ उनकी ज्यादातर मांगे यहाँ पर, बीपीसीएल के सभी कर्मचारी यहाँ पर उतरे हुए हैं, हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं और सिर्फ यही नहीं है, हम देखेंगे कि अभी जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन्होंने भी हड़ताल में हिस्सा लेने की घोषणा की है क्योंकि जो फीस की बढ़ोतरी हुई है और कुछ जो श्रम विरोधी नीतियां हैं उसको लेकर बहुत से मजदूर भी इस बात को नाराज हैं। तो जगह जगह पर इस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं जहां पर जो मजदूर यूनियन के लोग हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, काम काज बंद कर रखा है, तो बहुत ज्यादा भले जनजीवन सामान्य जीवन पर असर नहीं होगा लेकिन बैंकों के कामकाज में, कंपनियों के कामकाज में, फैक्ट्रियों के कामकाज में बहुत ज्यादा असर हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर।